तो आज हम जा रहे हैं डोरा जी, और हम हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गए हम दोनों एक और बार फिर से। तो आज जो है वो हम जा रहे हैं डोरा जी। तो डोरा जी की वैसे तो बहुत सारी चीजें मशहूर है, अब देखते हैं कि हम वहाँ जाके क्या क्या ट्राई करते हैं स्ट्रीट फूड पे। तो अभी हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और खा के दिखाते हैं और उसका रिव्यू भी देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सारे तो कैसे पहचानेंगे लोग ये असली है? कैसे पहचानेंगे? और इधर ये तो बताओ, अच्छा और ये कितने टाइम से है? ये भाईजान बहुत साल से ना पूछे थे, 30-35 साल। सबसे ज्यादा लोग क्या क्या खाते, सबसे ज्यादा मशहूर क्या है? सबसे मशहूर एक होते होंगे ना, बहुत चलती होगी, जो क्या है वो सबसे ज्यादा चलती है भाईजान? हर चीज चलती है, मार्केट ऐसी मशहूर हर चीज। चलो हम सोच के आपको बुलाते, यही रहना बस, मैं बस सही सही में देख लो ये पिज़्ज़ा फ्राइज भी देख लो, सब कुछ है, सब कुछ। अच्छा हम भाई को लेने वाले थे, बट भाई को जो है थोड़ी सी शर्म आई थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे मत लो वीडियो में। ठीक है, ये है डोरा जी बेस्ट चाट हाउस। ओके, तो फिलहाल हमने मंगवाया है ये कादिर अंकल गोला चिकन कॉर्न सूप। अभी हमने इसकी आपने क्लिप ऑलरेडी देख ली होगी। अच्छा तो अभी देखते हैं ये यहाँ का सूप कैसे। अच्छा पापड़ी जो है ना उन्होंने सामने वालों ने हमें डाल के दी है, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ना शाहजहा का हम पीते हैं ना वहाँ का, और भी सामान आ गया। अभी जहाँ से हमने जो मेन मंगाया था वहाँ का सामान लेते हैं। गप्पा चाट आ गई भाई, सही है, इंडियन भेलपूरी, इंडियन भेलपूरी आ गई है, और ये है गप्पा चाट। बस ओके, हाथ खत्म तो कर रही है। अच्छा अभी हम आप सोचोगे दो जाने कैसे खाएंगे, क्या इंडियन भेलपूरी और ये क्या गप्पा चाट, ये तुम खाओ मैं ये खाऊंगा, तुम गप्पा हो ना गप्पा चाट। मैंने भेलपूरी मंगाई, चाट तुम खाने वाले हो, तुम गप्पा चाट खाओ। अच्छा अभी सबसे पहले सूप टेस्ट करके बता दे सूप क्या है। पहले ये गाड़ी कहाँ रखे है? इधर रख दो गोद में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए सूप की वीडियो देखिए और वहाँ जाके सूप पिए, फिर बताया कैसा है। ओके ये मतलब सही वो है, सूप okay तो वो स्पेशली सूप के लिए ना, ये वो है एक हाँ, तो आए पी लिया तो पी लिया, बट मुझे लगता है यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सूप इतना कोई ये सब खत्म कर लो। अच्छा है यार सूप बुरा नहीं है, भी बुरा नहीं है। अच्छा। बट अगर आपको खास सूप पीना है तो फिर आप जो है वो नॉर्थ हैदराबाद ना। अच्छा सूप पीना है तो पहले हमारी वीडियो देखें फिर जाए, हमारी वीडियो देखे बिना नहीं जाए। ओके सो लेट्स ट्राई इंडियन भेलपूरी, जिससे मेरी काफी उम्मीद है, मुझे भेलपूरी पसंद है, अरीजन को तो नहीं पसंद है भेलपूरी। मैं पहली दफा खाना भेलपूरी, ऐसे मैं खाता नहीं हूँ, मुझे अच्छी लग रही है। नाम बता दो एक और बार, कहाँ की भेलपूरी? इंडियन भेलपूरी सलीम कादिर अंकल गोला, बहुत अच्छी है। इसमें ये क्या है? इसका ये पूरियां दी हुई है, इसका नाम भेल है, इसको खा के देखते हैं। इसका इसमें चटनी लगी हुई है, पूरा खा लो, पूरा मुझे लगा ऐसे ही खा लिया होगा। अच्छी है बहुत, ये पूरी बहुत अच्छी है। इसका वो पानी पूरी की जो मीठा चटनी होती है ना, वो और चटनी है बहुत टेस्टी है। ओके सो भेल पर जो 10/10 है। अभी फटाफट गप्पा गोला ट्राई करते हैं। आई है रीजन दोनों एक ही लग रहा है मुझे, तो चाट है और वो ये क्या था? भेलपूरी गप्पा चाट है ना, गप्पा गोला है, गप्पा चाट ऐसे ही कुछ इसका नाम है। फिर भी एक और इधर ऊपर लिख दूंगी मैं,
से लिटरली मैं ना चाट की इतनी कोई फैन नहीं हूँ, मुझे भेलपुरी पसंद है, मैं चाट में नहीं खाती, मैं बहुत अच्छी है गप्पा चाट बहुत अच्छी है मेरे स्टाइल, मुझे ज़्यादा जो ना भेलपुरी बहुत मतलब मुझे क्योंकि मेरी भेलपुरी फेवरेट है, भेलपुरी तो बहुत टेस्टी, ऊपर दिखाओ भेलपुरी बहुत अच्छी है, इवन देख लो लीजन ने पहली बार गोलगप्पे खाए इतने सारे, सब पे एक कॉमन है अंकल, अंकल बोला अंकल बोला अंकल बोला अंकल का बता दो, मुझे बताओ कॉन्सेप्ट क्या अंकल का बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा बताओ, कौन सेंस में मेक करेगा बताओ, देखो जैसे अंकल लगाते ना तो शो होता है एक्सपीरियंस, अंकल मतलब बड़ा आदमी ना एक्सपीरियंस, अब बोले ये लड़का गोला बच्चा गोला तो मतलब इन अनएक्सपीरियंस सॉरी उसकी थ्योरी कभी किसी से मैच नहीं कर सकती भाई, सही बताया ना अंकल का ओरिजिनल नाम होगा अंकल गोला, अब उसके नाम को बहुत चलता होगा सबने उसके नाम से खोल लिया सिंपल, भाई अंकल का मतलब एक्सपीरियंस या बड़ा आदमी कब से बना रहा है, ज्यादा मत बोलो अच्छा हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा, पर आप लोग टेंशन में लीजिए हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको पैक करा के या तो घर ले जाएंगे या किसी को दे देंगे, आप टेंशन में लीजिए क्योंकि ये तो पूरा बच गया, क्योंकि अलीजन ने कहा था कि वो चाट खाएगा तो हमने ये गप्पा चाट तो मंगा ली है, बट इतनी ज़्यादा है कि अगर ये सिर्फ भी दो बंदे खाए तब भी मेरे ख्याल से बच ही जाए, दोनों का ना टेस्ट जो ना ये ऐसे ही हमने खा लिया, मतलब लोग क्या करते कि ऐसे खाने वाले भी खा सकते ना ऐसी खा के, अब हमारा ये होता है कि हमने ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत खा लिया ना, हमारा ऐसा है ना अलीजन तो इसे खैर पेट तो ऐसे खाली फूल के हमने सूप भी पिया, फिर ये देखे ये तो अच्छी खासी, हम दोनों को सबसे अच्छा इन सब में लगी थी ये पूरियां, इस पूरी के अंदर चने हैं, पानी पूरी की मीठी जो सॉस होती है चटनी होती है वो है, और ये सेव बोलते हैं ना इसको, सेव होता है ना ये डला हुआ है पूरा भरा हुआ है, और ये बड़े ही मजे इसमें आलू भी है, बड़े ही मजे का है, किसके अंदर आलू है तो आलू होता है ना, अभी आया मैं, अलीजन को ये भी नहीं पता कि सेव पूरी के अंदर आलू, ये आलू वेरी नाइस है, जैसे सेव पूरी के अंदर आलू होता है मुझे नहीं पता, मतलब कि अगर मैं इसको छोड़कर अगर इनकी पानी पूरी मंगा दूँ तो अच्छी होती है ना, अब जो हम और कुछ नहीं मंगा, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम यहाँ का जो है वो पानी पूरी गोला गंडा और कोई भी नई सी, मैंने एक दो चीज़ें देखी है पर मुझे भी पता नहीं कि वो कहाँ मिलती होगी, ये इस शॉप की नहीं है, वहाँ जाके हम वो दो तीन और चीज़ें ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम और अपने साथ और भी किसी को ले जाएंगे ताकि हम ज़्यादा चीज़ें मंगा सके, ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सके, क्योंकि घर भी ले जाना, बट क्योंकि स्ट्रीट फूड आपको ही पता है कि अगर मैं इवन ये घर भी ले जाती हूँ तो वो नहीं मतलब इतना वो नहीं अच्छा लगता जो आप खाते हो यहाँ के, तो इससे ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली, तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर नेक्स्ट टाइम हम और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, वाओ यार एक्वाफिना का क्या टेस्ट है, पीने में से एक्वाफिना पिए बस, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वर्मन नेस्ले सही है, इतने व्यवस्था तुम्हारे बता कितने 820 बाकी रख लेना सही है, फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है, ओके सो हम आ चुके हैं तो बिल वगैरह करवा लिया, तो हमारे टोटल बिल हुआ था वो हुआ था 820 हुआ था, और बाकी जिस इंडिविजुअल जिसकी जो प्राइस थी वैसे मैंने मेन्यू भी दिखा दिया था और साथ साथ में वीडियो में जिस क्या है ऊपर आपको दिख भी गया होगा कि किसकी क्या प्राइस है, बट ओवरऑल हमारा 820 रुपीज़ बिल बना था, और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, चाट भी बहुत अच्छी थी, बट चाट जबकि खानी इसको थी बड़ी से चाट खाई ही नहीं, सिर्फ एक बार टेस्ट करते ना बस टेस्ट करके छोड़ दी, ये हमें लगा चाट वो छोटी सी होती जो नहीं प्लेट में होती है, बना हुआ था गप्पा मतलब बहुत मुझे पता था मगर फिर भी यहाँ ज्यादा लोगों के लिए बहुत ज्यादा मिले, यहाँ अगर आपको आना है फैमिली, ये बहुत फैमिली वाली जगह ना, फैमिली वाली या ज्यादा ग्रुप में आओ ऐसा लोग हमने सूप भी पिया था, सूप भी अच्छा था बुरा नहीं था, एवरेज था, हम जाकर सूप पीते वहाँ के बाद हमें
किसी मतलब नॉर्मल जगह का इतना खास नहीं लगता है, बट अगर आपको पीना है तो आप आगे पी सकते हो। मतलब ऐसा नहीं था कि अच्छा नहीं था, ऐसा तो नहीं था, खैर अच्छा तो था बट नॉर्मल था। खैर कप्पा चाट भी बहुत अच्छी थी और भेलपूरी तो बहुत अच्छी, इंडियन भेलपूरी बहुत अच्छी थी, मुझे इंडियन भेलपूरी बहुत अच्छी लगी। तो खैर इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह स्ट्रीट फूड की वीडियो बनाएं तो कमेंट भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।